नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सरकार के विकास के दावों की पोल खोलता भानपुर ग्राम पंचायत का मजरा लोधन पुरवा। खबर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत भानपुर मजरा सिद्धौई लोधन गांव में सरकार के विकास के दावों का मुंह चिनाता वीडियो वायरल हो रहा है। आज सुबह अन्ना सान ने रामफल पुत्र गुलजारी उम्र लगभग 55 साल के व्यक्ति पर किया हमला। इलाज के लिए परिजनों ने रास्ता न होने के कारण घायल को गांव से चारपाए पर लादकर 1 किलोमीटर लेकर गए, क्योंकि गांव में कीचड़ होने से गाड़ियां नहीं आ पाती हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें होती हैं। ग्रामीण रास्ते के लिए कई बार विधायक, सांसद एवं प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आज तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां ऐसी हालत है कि गर्भवती महिलाओं सहित मरीज व्यक्तियों को भी चारपाई में लेकर जाना पड़ता है। 600 की आबादी वाला लोधन पुरवा गांव के ग्रामीण राजकुमार राजपूत, प्रेमचंद्र राजपूत, विक्रम, सुनील आदि लोगों का कहना कि रास्ता ना होने के कारण यहां कोई एम्बुलेंस की गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले को लेकर सदर विधायक अनिल प्रधान को कई बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया। सपा विधायक का फोन या तो व्यस्त या फिर स्विच ऑफ बताता रहा। आखिरकार नेता वोट मांगने जाते हैं तो क्यों जनता को झूठी उम्मीद देते हैं? ऐसा स्वाभाविक है कि जब तक नेताओं की कोई जवाबदेही जनता स्वयं तय नहीं करेगी, तब तक ये राजनेता भोली जनता की भावनाओं से खेल खेलते रहेंगे। चित्रकूट संवाददाता राम लखन पांडे की रिपोर्ट।